उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत पाबंद अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि प्रदेश में अराजक तत्वों, संगठित अपराधियों, समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। एडीजी ने कहा कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कठोर कार्रवाई किए जाने से जहां आम जनमानस में प्रशासन के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, वहीं अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, हमारे पूरे जोन में ये निर्देश जारी किया है हमने, और जो भू माफिया हैं, जो बड़े माफिया हैं, पशु माफिया, तस्कर माफिया, शराब माफिया, इन पर कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, करोड़ों की संपत्तियाँ जब्त हुई हैं, परंतु जो संपत्तियाँ जब्त हुई हैं और जिन संपत्तियों ने खास करके ऐसे मकान या ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया जो ना केवल अवैध हैं, जहाँ जिन्होंने नक्शे नहीं पास किए हैं, जिनका कोई ऊपर नीचे नहीं है, ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शंस को गिराने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पर अगर आप कब्ज ये लोगों खड़ी रहें और सरकार का एक तरह से मजाक लगता है कि वहीं पर ये हंस रहे हैं आपके सामने ये संपत्तियां, तो जो इस तरह की अवैध संपत्ति है जिन्होंने अपराध से अर्जित किए हैं, उसमें नियम के अनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करते हुए, चाहे वो नगर निगम का हो, जो विकास प्राधिकरण का हो, या अन्य रेवेन्यू लॉज हैं, उसके अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए उनको उस विधिक कार्रवाई पे अगर वो अवैध पाए जाते हैं तो ऐसे संपत्तियों को चिन्हित करके उनको ध्वस्तीकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं सभी एसएसपीज को कि इस कार्रवाई को शुरू करें। आपने देखा होगा कि राज्य के कुछ अन्य जनपदों में भरे माफियाओं के खिलाफ ऐसे कार्रवाई हुई है, परंतु हमारे जोन में ये कार्रवाई नहीं दिख रही है। इस पर हमने सभी एसएसपी को कड़े निर्देश दिए हैं कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और सभी आईजीज मॉनिटर करें कि ऐसे माफियाओं के इस प्रकार की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करें।